नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज चैनल पर। क्योंकि कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, सारे मानव जाति पर जो संकट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस अब शहरों से मोहल्लों से बढ़कर गांवों तक पहुंच गए हैं। संक्रमण हर रोज बढ़ रहा है और इसी संकट को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त हो गए हैं। इसी कारण लोगों को हिदायत भी दी जा रही है, चालान भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस समय सीमा में जो छूट दी गई है उसी समय सीमा पर अब आपको बाहर निकलना होगा और खरीदारी करनी होगी। आज धामपुर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया, क्योंकि जो इस समय व्यापारियों को जो छूट दी गई है दुकान खोलने की और आम जनता को जो छूट दी गई है वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की दी गई। इस बीच आपको जो भी सामान खरीदना है, जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको चालू किया गया है। इस बीच अपनी जो भी आवश्यक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप ले सकते हैं। 11 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से सड़क पे नहीं दिखाई देगा। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हुआ है। जो लोग अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं और जो दुकानें खुली हुई हैं उनके भी चालान किए जा रहे हैं। तो इसी सब को लेकर आज पुलिस प्रशासन ने पुलिस बल के साथ सारे जो मुख्य चौराहे थे, जो मुख्य मार्ग थे, जो मुख्य बाजार हैं, उन सभी में फ्लैग मार्च किया है और जो दुकानें खुली पाई गई उनका चालान किया गया है। जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूम रहे थे उनका चालान किया गया और जो आवश्यक काम से 11 बजे के बाद घूम रहे थे उनको भी चेतावनी देकर छोड़ा गया। उनसे बताया गया है अनावश्यक रूप से कोई भी सड़कों पर नहीं निकलेगा। आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। वायरस की दूसरी लहर के कहर से है अगर बचना तो कोरोना की सभी गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करना। कोरोना से बचाव का अभियान, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करें हमारा काम आसान। घर से निकलते समय मास्क जरूर पहनें। मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।